हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी डिश बना रहा हूँ, बीटरूट रोटी। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप आटा, आधा टीस्पून नमक, अजवाइन 1 टीस्पून, 1/2 इंच जिंजर एंड 1 ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड, 2 मीडियम बीटरूट ग्रेट किया हुआ। सब डाल के हम आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटा गूंदते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आप इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि बीटरूट में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, तो हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आटा गूंदते वक्त। फ्रेंड्स, बीटरूट इज हाईली न्यूट्रिशियस फूड। इसमें काफ़ी मात्रा में हमें फाइबर मिलती है, पोटेशियम, मैंगनीज, विटामिन B9 और विटामिन सी होती है। आटा गूंदने के बाद इसे हम 30 मिनट तक ढक के रख लेंगे ताकि आटा बिल्कुल नरम हो जाए। फिर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हम हाथों से रोल करके इस तरह हम बॉल्स बना सकते हैं। फिर हम इसे बेलन से बेल के ने रोटी की तरह शेप दे देंगे। इस तरह हमें इसे बेलना है। अगर आपका रोटी नीचे चिपक रहा है तो आप इस पे थोड़े से आटा ऊपर डाल सकते हैं ताकि ये चिपके ना। इसे हमें बहुत ही पतली तरह बेलना है। फिर हम एक तवा गरम करेंगे। हम चेक करेंगे तवा गरम हुआ है कि नहीं। फिर हम इस पे ये रोटी डाल के इसे अच्छी तरह सेक लेंगे। हमें इसे दोनों तरफ अच्छी तरह सेक लेना है। दोनों साइड पलटते रहेंगे ताकि दोनों साइड में इक्वली पक जाए। मैं इस रोटी में तेल का बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिना तेल के ही ये स्वादिष्ट होगी। इस तरह हम इसे पलट पलट के दोनों साइड अच्छी तरह पका लेंगे। ये हमारी रोटी पक्के तैयार हो गई विदाउट ऑयल। अब मैं आपको एक और रोटी बना के दिखाता हूँ विथ ऑयल। तो इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले रोटी बनाई थी। हमें इसे दोनों तरफ अच्छी तरह सेक लेना है। हम इसे बीच बीच में पलटते रहेंगे। फिर हम इस पे एक ब्रश यूज करके अच्छी तरह इसमें हम ऑयल स्प्रेड करेंगे। हम इसमें सीधा ऑयल नहीं डालेंगे बल्कि ब्रश यूज़ करें ताकि कम ऑयल यूज़ हो। इस तरह हम दोनों तरफ ऑयल स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह। और इस तरह हमारा बीटरूट रोटी तैयार है विथ ऑयल। दोस्तों, आप भी इसे बना के देखिए। अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।